कि जो भारत और पाकिस्तान तकसीम हुए, यानी कि पाकिस्तान को वापस लेना है इंडिया के साथ, ये है सोच इनकी। आप कश्मीर की बातें कर रहे हैं, ये ठीक है तो जी उन्नीस नीरज, जी सौ नीरज, हमारे यहाँ बॉलीवुड में एक डायलॉग है बड़ी अच्छी सी कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, तो कश्मीर का ख्वाब पाकिस्तान निकाल दे अपने दिलों से। अच्छा, भारतीय फौज के हाथों गुज़श्ता एक महीने में 18 बेगुना कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। रही बात, आपने इंट्रोडक्शन बड़ा बढ़िया दिया कि पिछले एक महीने में 18 कश्मीरी को मार दिया गया। बेसिकली वो सारे के सारे आतंकवादी थे, वो कश्मीरी नहीं। और मैं आपके आंकड़ों को और ठीक कर दूं कि बीते एक साल में 165 आतंकवादियों को मारा गया है, 14 आतंकी ऐसे हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो आंकड़े ठीक कर लीजिए, जो भी आतंकवाद की भाषा बोलेगा उसको गोलियों से होकर गुजरना पड़ेगा। जो लोग भी चाहेंगे कि कश्मीर में अशांति आए, जो चाहेंगे कि कश्मीर तबाह हो, तो उनकी अपनी तबाही का मजमून तैयार है, वो उस खुद की तबाही के लिए वो तैयार है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं, देखिए जब से भारत ने कश्मीर का स्टेटस बदला है 5 अगस्त 2019 से, तब से ऐसे लगता है कि कश्मीर का कोई वारस नहीं है। और जब दिल करता है, जैसे दिल करता है, भारतीय सरकार और नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कश्मीरियों के वैसे कान मरोड़ लेती है। तो ये तो अब होगा, क्योंकि कश्मीर को वो ना तो दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है, मुस्लिम दुनिया भी खामोश है, इंटरनेशनल बॉडीज ने ये समझ लिया कि भारत से अब कारोबार करना है, पाकिस्तान की सरकार ने भी कश्मीर से इतना ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को वो कहते हैं जी हमने बड़ी मार्केट बना दी है, अपोजिशन बेबस है क्योंकि अपोजिशन के अपने मसाइल हैं। सो लग ये रहा है कि कश्मीर की जो कहानी है, जो कश्मीर की स्टोरी है, वो कहीं गुम हो गई है। और कश्मीरियों को देखने वाला जो इंटरनेशनल मीडिया था, इसको चाहिए कि इसको हाईलाइट करे, बैनुल अक्वामी अदारों को अपनी अटेंशन दोबारा कश्मीर की तरफ मबजूल करनी चाहिए, जिस तरह के रिसेंटली अक्वामी मुत्तहिदा ने भी कश्मीर के अंदर जो बहुत सारे इंसानी हकूक की खिलाफ, जो इंसानी हकूक के हक में बोलने वाले लोगों को उठाए जाने पे स्टेटमेंट दी है। मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया है कि यूनाइटेड नेशंस जो बच्चों के साथ सलूक हो रहा है, इसके ऊपर भारत के फॉरेन मिनिस्टर को यूएन में बुलाए और उनसे एहतजाज करे और उनसे पूछे कि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर मुसलमान बच्चों के साथ और कश्मीरी बच्चों के साथ इस तरह का सलूक क्यों हो रहा है। अच्छा नीरज, जैसे कि आप लोग जब भी प्रोग्राम में आते हैं कश्मीर के हवाले से बात होती है, तो जो भारतीय जो भी खासतौर पे जर्नलिस्ट होते हैं, जो भी शिरकत करते हैं, तो उनका ये मौकिफ होता है कि जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी आप लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर के हवाले से जितनी भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, हालांकि कश्मीरी मेहमान भी इसी प्रोग्राम में आपके साथ मौजूद होते हैं, आप उनको भी डिनाई कर देते हैं, आप कहते हैं कि गलत आप कह रहे हैं। आपका मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि उनको पत्थरबाज कह दिया जाता है, जो कि फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो लड़ रहे हैं, वो बाकायदा जंग कर रहे हैं आज़ादी के लिए, नहीं रहना चाहते वो भारत के साथ, भारत जबरदस्ती काबिज है, जबरदस्ती वहाँ पर जुल्म किया जा रहा है, लाखों की तादाद में आपकी सेना है वहाँ पर, आपकी फौज है वहां पे जो उन पे जुल्म कर रही है, आपको उनका जज्बा नजर नहीं आता। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जाने देते वहां पे उन लोगों को जो कि न्यूट्रल सहाफत करते हैं, सही सहाफत करते हैं, येलो जर्नलिज्म नहीं करते हैं, वहां पे उनको जाने दें कैमरों के साथ और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहां पे भी फिर आप लोगों की अपनी मर्जियां चलती हैं, यानी फेवरेटिज्म चलता है, जो दिखाना चाहते हैं सिर्फ वो दिखाया जा रहा होता है। और इस हवाले से राहुल गांधी साहब भी खुलकर बात कर चुके हैं, मेरे ख्याल से इस पर आप मुझे ये नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ ही नहीं। जी देखिए, मुझे फिर से आपने ऐसा सवाल पूछा, मुझे खुद में हंसी आ रही थी। एक सवाल का जवाब दीजिए, बलूचिस्तान अच्छा। में जो आतंकवादी जो गुनाह कर रहे हैं क्या वो फ्रीडम फाइटर्स हैं? सिंध प्रांत में जो आतंकवादी गुनाह कर रहे हैं, वहां की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो आपकी नजर में आतंकवादी है, हाँ या ना? अगर वो आतंकवादी है तो कश्मीर में जो कोई भी पत्थरबाज जो भारत के खिलाफ बोल रहा है वो आतंकवादी। नैबा ने अभी बात कहा, कहीं उन्होंने पहली बात ये है, एक मिनट, आपको हंसी आ रही है तो मुझे भी आपकी बात पे हंसी आ रही है कि कश्मीर का मुआवजा बलूचिस्तान से कैसे कर सकते हैं? बलूचिस्तान तो हमारा सूबा है, एक मिनट, कश्मीर का मुआवजा, कश्मीर में आप लोग काबिज हैं, कश्मीरी आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, अकवामी मुत्तहिदा में करार दाते पड़ी हुई है, आप एक मिनट ठहरे, आप भी वहां पे नहीं रहना चाहते, बलूचिस्तान क्यों नहीं रहना चाहते? बड़ा खुश रह रहे बलूचिस्तानी हमारे साथ, बिल्कुल खुश है, हमारे पाकिस्तान का सूबा है, वो मुल्क का हिस्सा है बलूचिस्तान। अगर बलूच, अगर आप लोग चाहते हैं, आप तो लोगों ने बहुत कुछ तो करने की कोशिश की, कुलभूषण जैसे लोगों को भेजकर, जासूसों को भेजकर, आप लोगों की बड़ी गंदी नजरें जमी हुई हैं। ना 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 ना, बलूचिस्तान में आप अपने रातों में ना काम रहे हैं, हमेशा आयदा भी रहेंगे।
दूसरी बात नईमा ने एक बात कही कश्मीर और भारत, मुझे बलोचिस्तान से कश्मीर का कंपैरिजन समझ नहीं आता है। कश्मीर पे आप लोग कहां बिजी हैं? डिस्प्यूटेड वो एक टेरिटरी है, एक ऐसा एरिया है। किसने कहा डिस्प्यूटेड? कश्मीर हमारा है। जी, जी। आपने अधिक आपने गलत तरीके कैसे आप है? कैसे आप है? नईमा ने एक बात कही, कश्मीर और भारत, नईमा सुन लीजिए। आपके नेहरू जी ने जाकर क्या बोला था वहां पे? ऑन रिकॉर्ड है चीजें। नेहरू ने क्या कहा? नेहरू ने आप लोग अपनी बात से मुकर कर आप काबिज हो गए। आप पढ़ लीजिए यूनाइटेड नेशंस के जो तीन नियम आए थे, तीनों नियम तो अच्छा बताएं क्या था? मेरी बात सुने क्या? आपने उन लोगों को हक कुदरतिया देना था, स्वाब राय से उनको अपने हक देना था कि वो डिसाइड करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। दिया आप लोगों ने वो हक? डॉक्टर फिजा खान सुन लीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दें। आपने वो हक दिया? जन्म संग्रह के लिए हम आज भी तैयार हैं। आपने वापस ना भेज दी बंदूकों के साथ, गोलियों के साथ, पैलेट गन्स के छर्रों के साथ, उनकी बिनाई छीन रहे, उनको मार रहे हैं। साफ साफ कह तो रहा हूँ, फिर आप उनको पत्थरबाज ना जाने क्या क्या कहते हैं। जन्म संग्रह के लिए भारत तैयार है, बशर्ते पाकिस्तानी फौज पीछे जाए। कभी मना नहीं किया किसी ने, आप कभी पीछे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए जन्म संग्रह नहीं हो रही है। मेरी बहन नईमा वहां पर बैठी है, नईमा ने एक बात कही कश्मीर और भारत। नईमा जेंडर नॉलेज ठीक कर लीजिए, कश्मीर भारत का हिस्सा है, कश्मीर अलहदा नहीं है भारत से। देखिए पहली बात तो ये है कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान की एक सॉवरेन टेरिटरी है, जबकि कश्मीर जो है वो पूरी दुनिया मानती है कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये हमने कह रहे हैं, ये कौमे मुत्तहिदा और इंटरनेशनल लॉ कह रहे हैं। अभी मिसाल के तौर पे हम ये तो नहीं कहते कि नागालैंड जो है वो उसके अंदर जो वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है वहां के लोगों को आजादी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो भारत का हिस्सा है, हम नहीं कहेंगे। आप बलूचिस्तान के बारे में कहते हैं, आप कहते रहे हैं, आपको हम इजाजत देते हैं जो मर्जी आप बोले क्योंकि आपकी बातों को सीरियस नहीं लेता। लेकिन अगर नागालैंड में, मिजोरम में, इतनी जो सेवन सिस्टर स्टेट्स में इतनी तहरीकें चल रही हैं, तो हम क्या कहें वहां के लोगों को आजादी दे दें? ऐसे तो नहीं चलता ना। लोग अपने हकूक की बात करते हैं, लोगों को करनी चाहिए। बलूचिस्तान की बात तो मैंने आपकी क्लियर कर दी। तो 5% लोग बोलेंगे आजादी दे दो, मैं आपकी दफा नहीं बोला था, 95% को सुना नहीं था, मैं खामोश रहा था आपकी दफा। मैं अगले दिन सुन रहा था आरएसएस चीफ को, मोहन भगवत साहब को, वो भी ये कह रहे थे कि जो पार्टीशन है इसको अनडू करना है। डॉक्टर साहब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दिया है इसके ऊपर कि जो भारत और पाकिस्तान तकसीम हुआ है, यानी कि पाकिस्तान को वापस लेना है इंडिया के साथ। ये है सोच इनकी। आप कश्मीर की बातें कर रहे हैं, ये तो नीरज, नीरज,